हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम करेंगे 7 मार्च के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं वो कवर करेंगे, और ऐसे रोजाना क्वेश्चंस कवर करेंगे, डेली जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ओके गाइस, तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए। पहला है कि हाल ही में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था जिसका नाम था संप्रीति संयुक्त अभ्यास। ठीक है, संप्रीति है एक सैन्य संयुक्त अभ्यास का नाम है जो भारत के साथ और एक अन्य देश के साथ हुआ था। दूसरे देश का नाम बताना कि भारत के साथ अन्य कौन सा देश था, तो बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। तो राइट आंसर का एक नंबर। दूसरा कि हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 पुरस्कार है वो किसने प्रदान किए थे, तो वो किए थे राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए गए थे। सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कि हाल ही में जारी फोर्ब्स की सूची के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो जेफ बेजोस जो है ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कि हाल ही में एक ऐप लॉन्च हुई थी जिसका नाम था बोलो ऐप, और ये बोलो ऐप है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, तो ये गूगल के द्वारा लॉन्च की गई थी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में एनजीओ ग्रीन पीस इंडिया ने सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया है। सबसे पहले याद रखिए किसने किया है, कौन से एनजीओ ने, ग्रीन पीस इंडिया ने किया है, और ये गुरुग्राम को घोषित किया है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में किस वर्ष साहित्य में 2 नोबेल पुरस्कार घोषित किए गए थे। साहित्य में 2 नोबेल पुरस्कार है वे हाल ही 2019 में दिए गए थे, तो एक नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल में भारत ने किस राज्य के लिए विश्व बैंक के साथ 25.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौते पर, ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो ये समझौता किया गया था छत्तीसगढ़ के लिए, यानी बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कि हाल ही में दुनिया की सबसे कम उम्र की स्वनिर्मित अरबपति कौन है, सबसे कम उम्र की, तो काइली जेनर जो है ये है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कि हाल ही में एचपी ने किस राज्य में 3D प्रिंटिंग सेंटर बनाने की घोषणा की है, तो 3D प्रिंटिंग सेंटर जो है ये आंध्र प्रदेश में बनाने की घोषणा की गई है। राइट आंसर आपका सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मोटर कंपनी ने इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी ग्रीन एरा पुरस्कार है वो जीत लिया है, तो ये जीता है TVS के द्वारा जीता गया है। ओके गाइस, तो ये थे आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके आप PDF ले लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना आज से डेली जितने भी हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं वो हम कवर करेंगे। होप आपको ये पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो रेटिंग दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।